हमारे देश को आज़ाद हुए आज 66 साल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश आज भी गुलाम है, खास तौर पर औरतें और लड़कियां। क्योंकि आज भी जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनके पहनावे को लेकर समाज में तरह तरह की बातें होती हैं। उनके मोबाइल इस्तेमाल से लेकर घर से बाहर निकलकर काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज आज के युग में एवरीवन शुड हैव द फोन, सबको इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ती है हर वक्त। लड़कियों को फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए, नई दुनिया में संचार टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और हम उस युग में जी रहे हैं, तो इसलिए हमें फ़ोन की आवश्यकता है। आज की आधुनिक समय की जो तकनीक मिली हुई है उस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को सूट सलवार ही पहनना चाहिए, अगर उनकी अपनी इच्छा है कि भाई मुझे जीन्स पहनना है तो पहनना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत बदल रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से तो हर जो कंफर्टेबल ड्रेस है वो पहनना चाहिए, इवन इट कैन बी जीन्स और टॉप, पर कंफर्टेबली यू शुड वेयर दैट। देखिए, कपड़े की बात जहाँ तक है तो इसमें सूट हो या जीन्स हो, इसके लिए कोई ये दो मत नहीं है, और हर एक को अपनी वस्त्र चुनने का अधिकार है। स्त्री और पुरुष सभी को बराबर अधिकार मिला हुआ है, इसलिए कपड़े पहनने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होना चाहिए। देखिए, सूट पहनना मैं समझता हूँ बेहतर है, क्योंकि शरीर को अगर एक तरह से दिखावा किया जाएगा तो लोग जो है अनायास लोग उसके पास से जो गुजरेंगे वो कमेंट करेंगे, तो मेरे हिसाब से जीन्स नहीं पहना जाना चाहिए। नौकरी करने में क्या बुराई है, जब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं तो उनको नौकरी करना चाहिए, करनी चाहिए। आई थिंक अभी आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाहर निकल के आप चार लोगों से मिलोगे, उससे आपको पता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। प्रत्येक घर की जो है आवश्यकताएं आज के समय में इतनी हो गई हैं कि लोग एक व्यक्ति के कमाने से घर का खर्च नहीं चल सकता। कपड़े छेड़छाड़ नहीं है, देखिए आजकल का जो एक निकल के आ रहा है कि कपड़े छेड़छाड़ नहीं है, ये अपनी सोच छेड़छाड़ है। बिल्कुल नहीं, ये लोगों की मानसिकता है, और ये कुछ चुने हुए ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता गलत होती है, इसलिए उसका बहाना बना करके वो इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप जैसे पहनोगे वो आप कैसे उसे पहन के कैसे आप चलते हो, हाउ यू वॉक हाउ यू टॉक, वो आप पे डिपेंड करता है कुछ हद तक, क्योंकि शरीर को जितना ढका जाएगा मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर है। समय के हिसाब से जो समय परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से करना चाहिए। इसके लिए मेरे हिसाब से तो इट टोटली डिपेंड ऑन अस कि आप कैसे बिहेव करते हो। इन सब को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी पहले प्रशासन सही चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, और इसके लिए लड़कियों को भी मैं ये देना चाहता हूँ संदेश कि उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए कि गलत लोगों के साथ कभी भी इस तरह कभी तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए।